गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो आपकी अंतिम प्रहार श्रृंखला में रिवीजन बैच चल रही है उसकी 12वीं क्लास पे चलेंगे और इस 12वीं क्लास में देखेंगे वायस से संबंधित महत्वपूर्ण एवं बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न। तो प्याचे, इसके पहले आपकी अंतिम प्रहार श्रृंखला में रिवीजन बैच की 11 क्लास हो चुकी है जिसमें हमने पूरे फर्स्ट पेपर का रिवीजन कर चुके हैं, ग्रामर की 3 क्लास हो चुकी है। तो यदि आपका जो है रिवीजन बैच में से कोई भी क्लास छूटी हुई हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी इंग्लिश रिवीजन बैच क्लास 10th करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां से जाकर के जहां से भी आपकी क्लासेस छूटी हैं आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्याचे, रिवीजन बैच की आपकी कोई भी क्लासेस छूटनी नहीं चाहिए क्योंकि ये आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है प्याचे, तो इसलिए कोई भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए। जल्दी से हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। वायस मीन्स आपका एक्टिव पैसिव वायस हो गया, मीन्स आपको एक एक्टिव वायस का वाक्य दिया होगा उसे किस में चेंज करना होगा, पैसिव वायस में चेंज करना होगा। आज हमने 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं, कुछ आपके बोर्ड परीक्षा से आए हुए प्रश्नों को सम्मिलित किए हुए हैं, कुछ अदर जो है महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे हमने उन प्रश्नों को लिए हुए हैं। केवल 10 एग्जाम्पल में आपको पूरा वायस समझाने की कोशिश करेंगे, आपका पूरे वायस का रिविजन हो जाएगा। तो जल्दी से प्याचे हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे प्याचे जो भी इस बार की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। अब यहां पर देखिए हमने पहला एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ही हैज एंसर्ड ऑल दी क्वेश्चंस। तो प्याचे आपको वाक्य किस टेंस में दिख रहा है, हैज दिख रहा है, हैज मींस आप किस टेंस में हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंसर्ड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है। मींस आपका जो वाक्य दिए हुए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एक्टिव वॉयस का वाक्य है उसी को आपको पैसिव वॉयस में चेंज करने हैं। तो पैसिव वॉयस में सबसे पहले आप क्या काम करते हो, जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट बना देते हो और जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बना देते हो, ये पहला काम करते हो। तो इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, All the questions आपका object हो जाएगा ना, तो means हम all the questions को subject बना देते हैं, तो हमने पहले लिख दिए all the questions लिख दिए। अब उसके बाद प्याचे आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी होती है, हेल्पिंग वर्ब आप क्या रखोगे, हैज ऊपर है, हैज है तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी तो हैज बीन हो जाएगा, लेकिन ऑल द क्वेश्चंस था तो मींस प्लूरल बन गया है तो आपका ऑब्जेक्ट जो आया है प्लूरल आया है तो इसलिए हैज बीन नहीं लगेगा, आपका हैव बीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑल द क्वेश्चंस क्वेश्चंस आपका क्या है, प्लूरल है, प्लूरल बनने की वजह से यहां पर हमने किसका प्रयोग किए, हैव का प्रयोग किए, तो आपका हो गया ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन। और वर्ब की हमेशा आपको हमने बताई हुई है थर्ड फॉर्म लगती है, कोई भी टेंस हो हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज हो सकती है लेकिन वर्ब की हमेशा आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, तो आपने आंसर का थर्ड फॉर्म आपका दिया ही था, आंसर्ड आपने कर दिया। उसके बाद बाई, बाई उसके बाद सब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट को आप जोड़ते हो, सब्जेक्ट आपका ही है, ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो सिंपल्स हो गया All the questions have been answered by him हो गया, ये आपका आपने इसे पैसिव वॉयस में चेंज कर दिए। असर्टिव सेंटेंस का सिंपल सा वाक्य था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं प्याचे दूसरे क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया प्याचे क्वेश्चन लिए हुए हैं, 10 क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट और यहीं से आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, इससे अतिरिक्त नहीं आने वाला है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्टर रंजना टीचेस अस साइंस, डॉक्टर रंजना हमें क्या पढ़ाती हैं, साइंस पढ़ाती हैं, मींस विज्ञान पढ़ाती हैं। प्याचे आपका दो दो ऑब्जेक्ट आ गया, एक अस आया एक साइंस आया, दो ऑब्जेक्ट आपके सामने है तो हमने आपको दोनों ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए बताए हुए थे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी आप पहले रख सकते हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले रख सकते हो, हमने किसको रखे हुए हैं, साइंस को रखे हुए हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं तो आपका साइंस पहले हमने कर दिया, साइंस कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा, साइंस को हमने ऑब्जेक्ट साइंस था, साइंस को हमने सब्जेक्ट बना दिया, साइंस पहले आ गया। आप प्याचे टीचर्स है, टीचर्स मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपका यस या यस लगा हुआ है ना तो टीचर्स आपका बना हुआ है ना यस लग करके तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉयस बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, इज जमान लगाते हैं, तो हमने साइंस के लिए क्या लगा दिया, इज लगा दिया, साइंस इज सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट था इसलिए जाहिर सी बात है इज हमें लगाना था तो हमने साइंस के साथ इज लगा दिया, साइंस इज हो गया। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, हमने आपको बताया पैसिव वॉयस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे,
टीज का थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। तो यहां तो गया साइंस इज अ टॉट। अब इसके बाद जो भी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऐसे लिख देंगे साइंस इज अ टॉट अस। अब उसके बाद बाई से जोड़ेंगे, कनेक्टिव वर्ड आप क्या किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं, तो आप बाई लगाएंगे, बाई डॉक्टर रंजना, क्योंकि सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे तो बाई डॉक्टर रंजना हो जाएगा। सिंपल हो गया, साइंस इज अ टॉट टू अस बाई डॉक्टर रंजना। अच्छा प्याचो, यहां पर एक थोड़ा सा मिस्टेक है, हमने आपको बताया थे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ते समय टू लगा देते हैं इसके पहले, तो आपका हो जाएगा साइंस इज अ टॉट टू अस, यहां पर टू का प्रयोग नहीं किए हैं, आप प्रयोग कर लेना, बाई डॉक्टर रंजना हो जाएगा। ये आपको हमने कॉन्सेप्ट बताए हुए थे, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगा देते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बना देते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट लिख देते हैं, उसमें आप टू नहीं लगाते हैं। जैसे अगर अस को हमें पहले करना हो तो क्या हो जाएगा, वी आर टॉट साइंस बाई डॉक्टर रंजना, तब आपका ऐसे हो जाएगा वी आर टॉट साइंस बाय डॉक्टर रंजना, तब आपका ऐसे हो जाएगा। प्याचे हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए हुए थे, उम्मीद करते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट याद होंगे। आगे बढ़ते हैं प्याचे, तीसरा एग्जांपल आपके सामने है, ही पोस्टेड अ लेटर, उसने एक पत्र को क्या किया, पोस्ट किया। तो प्याचे यहां पर आपको दिख रहा है पोस्टेड मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस टेंस में लगती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मीन्स आपका एक्टिव वॉइस का वाक किस टेंस में दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया है। इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, पहले अ लेटर को पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, अ लेटर के अकॉर्डिंग वाज वर्ब का प्रयोग इसमें होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की अगली टेंस क्या होती है, वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो आपने क्या लगा दिया, अ लेटर वाज कर दिए, अ लेटर सिंगुलर था तो वाज लग गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब पोस्टेड का थर्ड फॉर्म भी पोस्टेड होता है, मींस पोस्ट का सेकंड फॉर्म पोस्टेड और थर्ड फॉर्म भी पोस्टेड होता है, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर वाज पोस्टेड। अब उसके बाद सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तो बाय हिम कर देंगे, सिंपल सा हो गया, अ लेटर वाज पोस्टेड बाय हिम हो गया। उम्मीद करते हैं प्यारे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं, हमने तीन असर्टिव सेंटेंस का रख दिए हुए थे, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, और प्यारे आपकी बोर्ड परीक्षा में असर्टिव और इंटरोगेटिव से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, 80% क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बनते हैं वो असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस से बनते हैं। आप अच्छे यहां पर देखिए, आपके सामने एक वाक्य लिखा हुआ है, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क स्टडे, ये आपका किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव है, और इसको चेंज करने के लिए हमने आपको बताए थे, इसे आप इंटरोगेटिव में ही चेंज करते हैं, अफर्मेटिव नहीं बदल देते हैं, इसे आप इंटरोगेटिव में ही रहने देते हैं, बस आप जो सारे नियम लगाते थे वही सारे नियम होंगे। तो क्या हो जाएगा, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, योर होमवर्क ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो हमने योर होमवर्क को पहले ला दिया, योर वर्क हो गया, होमवर्क नहीं वर्क है, योर वर्क पहले आ गया। अब इसके साथ प्यारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो अगली टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, और योर वर्क के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, वाज वर्ब में आपको लगाने हैं, आपको लगानी किस में, वाज वर्ब में लगानी है ना, तो आपका यहां वाज हो जाएगा, क्योंकि योर वर्क इज सिंगुलर, योर वर्क जो आपका सब्जेक्ट बनाया हो सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, तो वाज योर होम वर्क हो गया, क्यों, क्योंकि आपको इंटरोगेटिव में ही बनाने हैं, पैसिव वॉइस भी आपका इंटरोगेटिव में ही बनेगा, तो आपने कह दिया वाज योर वर्क। उसके बाद कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड कर देंगे, तो वाज योर वर्क कंप्लीटेड बाय किसके, बाय यू है ना, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, यू का सब्जेक्टिव केस यू होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, तो आपने यू लिख दिया By you, उसके बाद स्टडी लिखा हुआ था जैसे लास्ट में, आपने लास्ट में उसे उतार भी दिया, तो आपका क्या हो गया, Was your work completed by you स्टडी हो गया, सिंपल सा आपने कर दिया प्याचे, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हेल्प हिम, ये हेल्प हिम किस टेंस का है, या पहले हेल्प हिम किस टेंस की, तो छोड़ो, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस में अगर जो है आपका रिक्वेस्ट हो तो सीधे हमने आपको कहे थे यू आर रिक्वेस्टेड टू का आपको प्रयोग करनी है, तो आपने क्या कर दिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब उसके बाद हेल्प हिम है, जैसे लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, सिंपल से हो गया। हमने आपको बताया था यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग कर सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर सकते हो, यू आर एडवाइज टू का भी प्रयोग कर सकते हो, यहां तक इसके साथ साथ लेट बी का हमने प्रयोग बताए थे, हमने आपको लेट बी का भी प्रयोग बताए थे, अगर इसे लेट बी से चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा, लेट ही
लेट ही बी हेल्प्ड हो जाएगा। अगर लेट से इसे चेंज करना होता, लेट पहले लिखते उसके बाद हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो जाता, लेट ही और उसके बाद बी लगाते, लेट ही बी हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाता। लेट बी के माध्यम से भी इसे चेंज कर सकते थे। हमने आपको सभी नियम बताए हुए थे, प्याची उम्मीद करते हैं याद होगा। अगला है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अभी से देखो लेट बी के माध्यम से चेंज किए हुए हैं, तो आपने क्या लिखा, लेट किया, आपने लेट पहले कर दिए लेट। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर है, तो आपने कहा लेट अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद आप बी का प्रयोग करते हो, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी, और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा ब्रॉट हो जाएगा, तो आपने कर दिया लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट हो गया। सिंपल सा आपने से कन्वर्ट कर दिया, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्याचे, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने है फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस लिए हुए हैं। Have you posted my letter? क्या आपने मेरे पत्र को पोस्ट कर दिया? आप अच्छी किस टेंस का है? Have you posted किस टेंस का है? Present perfect tense. Present perfect tense को किस में चेंज करेंगे? Present perfect continuous में सेंटेंस में चेंज करेंगे, चेंज करते हैं। अब देखो my letter आपका ऑब्जेक्ट है, तो my letter सब्जेक्ट बन जाएगा, तो my letter को हमने पहले लिख दिए। अब my letter के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, has लगाएंगे ना भैया, माई लेटर सिंगुलर है ना, सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, तो आपने हैज लिख दिया, हैज माई लेटर। अब उसके बाद बीन लगाना है ये आपको प्याचे, क्योंकि आपका हैव है ना प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, हैज माई लेटर बीन, पोस्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पोस्टेड हो जाएगा, बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, बाई यू हो जाएगा। और इंटरगेटिव साइन लगाना भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपने जो पैसिव एस भी चेंज किए हैं, आपने इंटरगेटिव ही चेंज किए हुए हैं भाई, बाकी आप किसी अन में चेंज नहीं किए हैं, तो आपका हो गया हैज माई लेटर बीन पोस्टेड बाई यू हो गया। तो प्यारे ए आपका सातवां बेहतरीन ढंग से आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आठवें में बढ़ते हैं, और आठवें में बढ़ने से पहले प्यारे जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर देंगे। प्यारे ए आपकी जिम्मेदारी है, छोटी छोटी क्लासेस दे रहे हैं ताकि आपको ज्यादा पढ़ने में भारी ना लगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आठवां क्वेश्चन आपके सामने है, द बॉयज कॉल्ड हिम अ हीरो, बच्चों ने उसे क्या बोला, हीरो बोला ना, तो क्या हो गया, the boys called him a hero। आप इसमें देखो दो ऑब्जेक्ट है आपके सामने, एक him ऑब्जेक्ट है, एक a hero ऑब्जेक्ट है। अगर him आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी ला सकते हो, a hero आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, a hero को भी सब्जेक्ट बना सकते हो। हमने एक एग्जांपल ऐसे और बताए थे, उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिए थे, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देख लिए हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम हो गया, तो हिम को हमने लिए हुए हैं, आप हिम को क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए, हिम को सब्जेक्ट बनाए तो आपका क्या हो जाएगा, हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा, ही हो गया। अब उसके बाद वॉयस कॉल्ड था, कॉल्ड मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, तो हम अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगाएंगे, तो ही वाज हो गया। कॉल का थर्ड फॉर्म आपका कॉल्ड हो जाएगा, ही वाज कॉल्ड। अ हीरो जैसे था, हम उसी के स्थान पर लिख देंगे, यही हमने आपको कहे थे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही लिख देंगे। और अगर अ हीरो को हमने पहले लाए हुए थे, तो आपका हिम किससे जुड़ जाता, टू हिम से जुड़ जाता, तब आपका हिम किससे जुड़ता, टू हिम से जुड़ जाता, तो क्या हो गया, ही वाज कॉल्ड अ हीरो बाई बाई, उसके बाद दी बॉयज आपका सब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाई दी बॉयज हो जाएगा। सिंपल सा आपने कह दिया, ही वाज कॉल्ड अ हीरो बाई दी बॉयज, बॉयज के द्वारा उसे हीरो कॉल कर किया गया, बुलाया गया, हो गया। सिंपल सा आपने कन्वर्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे, नवा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नवा आपका क्वेश्चन है, तुलसीदास हैज रिटेन द रामचरितमानस, तुलसीदास ने क्या लिखा, रामचरितमानस लिखा हुआ है। अब भैया प्यारे यहां पर देखो कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ए बी हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिख रही है, तो आप क्या कर दोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। अब चेंज करो इसे, रामचरितमानस को आप ऑब्जेक्ट है तो पहले लिखो रामचरितमानस, और दी रामचरितमानस था ना, तो क्योंकि हॉली बुक के पहले दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं ना, तो आपका दी रामचरितमानस हो गया। उसके बाद रामचरितमानस आपका सिंगुलर नंबर है ना, एक बुक का नाम है, पुस्तक का नाम, एक पुस्तक का नाम है, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, तो आप हैज का लगाओगे, तो दी रामचरितमानस हैज बीन, क्योंकि अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको हमने पहले से बताई हुई है, कोई भी टेंस हो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही है, रिटेन हो गया। अब बाई, उसके बाद बाई के बाद सब्जेक्ट लिखने हैं, तो सब्जेक्ट आपका तुलसीदास था, तो बाई तुलसीदास हो गया, तो आपने सिंपल से कर दिया, द रामचरितमानस हैज बीन रिटेन बाई
तुलसीदास हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। आगे पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम आपका है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क इन टाइम। प्यारे बच्चे ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस का है, तो आपने लिखा डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम, क्या आपने अपने कार्य को समय से पूरा कर लिया। किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की लगेगी? अगले टेंस की लगेगी, मींस कंटिन्यूअस की लगेगी, मींस वाजबल लगेगा। आप अच्छे यहां पर क्या हो जाएगा, योर वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपने योर वर्क को पहले लिख लिया और योर वर्क के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, वाज का प्रयोग करोगे, तो वाज योर वर्क फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो जाएगा। भैया फिनिश का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे ना, हमने आपको बताया हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो वाज योर वर्क फिनिश्ड। अब जो आपका इन टाइम था, आप इन टाइम को इसके पहले एडजस्ट कर देने हैं, बाई के पहले आपको इन टाइम एडजस्ट कर देने हैं, तो आपने इन टाइम लिखा, उसके बाद बाई लिखा, बाई के बाद जो है यू आपका सब्जेक्ट था, तो इसे ऑब्जेक्ट बना दिए, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, तो आप इसे यू लिख दिए, तो आपका सिंपल से चेंज क्या हो गया, Was your work finished in time by you हो गया। आपने आसानी से प्यार से इसे चेंज कर दिए, ए आपका हो गया, ए पैसिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस की 10 एग्जाम्पल में हमने जो महत्वपूर्ण थे हर महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को सम्मिलित कर लिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। अगर आपको ये 10 एग्जाम्पल समझ में आए हैं प्यारे, तो आपको हम भरोसा देते हैं कि आपका बोर्ड परीक्षा में कोई भी पैसिव वॉइस से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने इन 10 को अच्छे से समझ लिए हैं, अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कोई आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। तो प्याची ये आज की क्लास हो गई, इसके बाद अभी रिसेंटली 10-15 मिनट में आपको तुरंत एक क्लास मिलेगी, इसके तुरंत बाद आपको क्लास मिल सकती है, तो तुरंत बाद प्याची इसके आपका आर्टिकल की क्लास मिलेगी। शाम तक उम्मीद करते हैं 3-4 क्लास और आपको मिलेगी। तो प्याची जो है 8-9 बजे तक, आज 8-9 बजे तक आप लोग तैयार रहना, 8-9 बजे तक आपका जो है 4-5 क्लास के आसपास मिलेगी। ठीक है, अभी इसके बाद तो 10 मिनट बाद तुरंत क्लास मिलेगी, इसके तुरंत बाद पे अच्छे तुरंत क्लास मिलेगी, तो इसलिए आप लोग जो है तैयार रहें। ठीक है, शाम तक आज रात तक तैयार रहें, क्योंकि कल क्लासेस की संख्या थोड़ा सा कम करेंगे, परसों आपकी बोर्ड परीक्षा है। ठीक है, तो प्याचे इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले आप सेकंड चैनल से नहीं जुड़े हो तो डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 से जुड़ जाना, उस पर अंतिम दिन मैराथन क्लास होगी। अंतिम दिन प्याचे 5-6 तारीख को आपकी इंग्लिश का पेपर है ना, 5 तारीख को दिन भर मैराथन होगी, तो दिन भर मीन्स आपका 6-7 घंटे की लंबी मैराथन होगी, आप लोग तैयार रहिएगा। तो इसलिए सेकंड चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 से। तो बच्चे ये मुख्य बात हो गई, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और बच्चे कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ समाप्त करते हैं क्लास, जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं होता है। तो बच्चे यदि आपको सफलता अर्जित करनी है तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी में सफल हो सकते हैं। ऐसी उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।